Daikawa, eco-friendly appliances. The new name for trust and reliability is Daikawa. दमनदीप, सिल्वास और दक्षिणी गुजरात की जो युवा पंख लगाकर आसमानों में उड़ना चाहते थे, यानी एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते थे, उन्हें अब मुंबई के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फ्लाई इवोल्यूव एकेडमी अब सिल्वास में भी आ चुकी है। देखिए खबर। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दो, जिस तरह से फ्लाई इवॉल्व करके एक एजुकेशन को लेकर खासतौर पर जो बच्चे या जो लोग इस चीज को लेकर रहते हैं कि हम सब एयरपोर्ट पर जाएंगे और वह करने का मौका मिलेगा, तो उन्हें किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा, आज इसकी शुरुआत जो है सिलवासा के विस्तार में विशाल पंचाल और हार्दिक पंचाल के द्वारा की गई है। तो चलिए सबसे पहले कुछ लोगों से जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है और किस तरह से लोगों को इसकी सहूलियत प्राप्त की जाएगी, यानी किस तरह से वो लोग यहाँ पर आने के बाद प्रशिक्षण ले सकते हैं और उसके बाद अपने लोकेशन के हिसाब से अलग अलग जगहों पर अपने जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। परंतु जिस तरह से आज ये शुरुआत यहाँ पर की गई है, किस तरह की चीजों को आप देखेंगे, कहीं ना कहीं जब एयरपोर्ट पर लोगों को जॉब मिलेगा, काम मिलेगा, सिलवासा के लोग जब वहाँ पहुंचेंगे तो क्या चीजें देखती हैं, क्या स्कोप देखती हैं आप? सबसे पहले तो आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज उनके जन्मदिन के अवसर पर सिलवासा के क्षेत्र में फ्लाई एविएशन एकेडमी का उद्घाटन हुआ है। जैसे कि सब जानते हैं कि हमारा सिलवासा एक एजुकेशन हब है, यहाँ पे इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग और विविध प्रकार के ट्रेनिंग, पढ़ाई, फैशन डिजाइनिंग भी यहाँ पे क्लासेस है, तो इन अ वे यहाँ पे सिलवासा को आप कह सकते हैं एक एजुकेशन हब बन चुका है। उसी के साथ साथ ये एविएशन ट्रेनिंग जो है यहाँ पे हमारे लोकल बच्चों को मिलेगा, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, क्योंकि जल्दी ही दमन में एयरपोर्ट शुरू होने वाला है फ्रॉम दमन टू वेरियस प्लेसेस, तो हमें ग्राउंड लेवल ग्राउंड क्रू की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो हमारे सिलवासा के बच्चों को बॉम्बे जैसे दूर दूर दराज जगहों पर ना जाना पड़े, उसके लिए यहाँ के फ्लाई एविएशन एकेडमी शुरू करने में श्री हार्दिक पांचाल और विशाल पांचाल जी का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ सोचा, क्योंकि ये एक नया अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलेगा। सब लोग पायलट्स तो नहीं बन सकते, सब कैबिन क्रू नहीं बन सकते, लेकिन एयरपोर्ट क्रू बनने का जो मौका, यहाँ जो ट्रेनिंग उनके घर के द्वार पर यहाँ पे जो लाए हैं, वो हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और मैं अपने यहाँ के लोकल बच्चों को बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ कि वो यहाँ पे एडमिशन ले। फ्लाई इवॉल्व जो चीजें हैं, किस तरह से लोगों के बीच में आकर उनको प्रशिक्षित करेगा, क्योंकि बच्चों में एक चीज रहेगी कि किस तरह से ये जो चीजें हैं इसमें जुड़े लोग और जुड़ने के बाद उन्हें किस तरह के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एक्चुअली सिलवासा से काफी बच्चे बॉम्बे, हमारा एक मेन हब बॉम्बे है, तो बॉम्बे वहाँ पे ऑल्टरनेट डेज ट्रेनिंग के लिए आते थे और वहाँ से उनको जॉब मिला और उनकी लाइफ चेंज हुई। और हमने यही सोचा कि अगर हम लोकल, ये बच्चे यहाँ इतनी दूर बॉम्बे आने से अच्छा अगर हम सिलवासा में ही सेंटर खोले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमने कॉलेजेस को अप्रोच किया, वहाँ पे हमने सेमिनार्स वगैरह किए और हमको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। तो विशाल भाई और हार्दिक भाई ने डिसाइड किया कि यहाँ पे एक सेंटर खोले
और यहाँ के लोकल बच्चों को हेल्प मिल सके ताकि इतनी दूर जाना नहीं पड़े। और उन्होंने भी काफी रिसर्च करके और ये दिखाया कि मतलब दमन एयरपोर्ट भी आ रहा है और यहाँ पे बच्चे लगेंगे, मतलब कुल मिलाकर दमन, सिलवासा और साउथ गुजरात के बच्चे जो है वो यहाँ पर आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। जी बिल्कुल सर जी, खासतौर पर ये जो चीजें लेकर आए हैं जैसे कुछ चीजें पता चली और आप शुरुआत जो है इसकी हो चुकी है आज, तो क्या खास कहेंगे, कैसे लोगों को आप बताएंगे कि क्या क्या चीजें, किस किस तरह से लोगों को यहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा? बेसिकली जब अली जी हमसे मिले थे जो हमारे एजुकेशन कोऑर्डिनेटर है, तो उन्होंने ये आइडिया, उनका ऑलरेडी फ्लाई वॉल एविएशन एकेडमी मुंबई में ऑलरेडी एक सेंटर चालू है और उसको उनको नेशनल सेंटर फॉर वोकेशनल एंड ट्रेनिंग का एक ऑलरेडी रिकग्निशन उनको मिल चुका था। तो सबसे पहले हमारा था कि एक क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, तो उस वे में हम लोग उनका सेंटर विजिट किया एंड हमने देखा कि उन्होंने काफी अच्छी तरह से वो सारे बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो फर्स्टली हम लोग उनकी क्वालिटी से सेटिस्फाई हुए, फिर हमने कॉन्सेप्ट समझा कि ये जो स्टाफ है उनको कहाँ कहाँ पे जॉब मिल सकते। तो हमने स्टडी किया कि जैसे हमारे लोकल एरिया में दमन में ही एक नया एयरपोर्ट खुल रहा है, उसके अलावा जैसे हमारे गवर्नमेंट का एक नेशनल प्लान है कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऑल ओवर इंडिया में मल्टीपल एयरपोर्ट्स का एक्सपांशन हो रहा है और कई नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो बेसिकली सबको ग्राउंड स्टाफ का जरूरत पड़ने ही वाला है 101%। दूसरा चीज इन्होंने हमें बताया कि जैसे ये एरिया के, मतलब हमने ये सोचा कि ये एरिया से लोगों को कैसे बेनिफिट मिलेगा, तो उन्होंने बताया कि ऑलरेडी आपके एरिया से काफी बच्चे मुंबई तक ट्रेवल कर रहे हैं और हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट है और उनको ट्रेवल करने में काफी दिक्कतें आ रही है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख के हमने सोचा कि हमारा ये नया बिल्डिंग ऑलरेडी रेडी हो रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास काफी अच्छा जगह था, तो हमने प्लान किया कि एक हमारे लिए एक सेंटर यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू। आप सिलवासा से? यस जी। तो ये आज यहाँ पर जिस तरह से ज्वाइन किए हैं आप, और किस तरह से आप यहाँ पर पहुंची और कैसे यहाँ पर आपको मौका मिला? सर पहली बार तो मैं अभी कॉलेज कर रही थी आफ्टर 12th कॉलेज में से, मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी सपने नहीं देखे थे कि मैं एयरपोर्ट पे जॉब करूंगी, बट आफ्टर दैट मैंने इवॉल्व एविएशन के बारे में सुना और मैं खुद यहाँ से सिलवासा से मैं अंधेरी रोज ट्रेवलिंग करती थी एंड उसके बाद इवॉल्व ने मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी। लाइक आई वॉज नॉट स्पीकिंग इन लाइक गुड इन इंग्लिश, बट अभी मैं एविएशन के साथ वर्क कर रही हूँ, एयरपोर्ट पे ज्वाइन हो गई हूँ इन विद इन अ वन ईयर। तो इवॉल्व ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है और आज मैं जहाँ पे हूँ वो सिर्फ इवॉल्व एविएशन की वजह से हूँ। तो ये थे वो लोग जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से फ्लाई इवॉल्व में आने के बाद आप जो है यहाँ पर बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक जॉब के लिए जो एक प्रॉपर प्रशिक्षण की जरूरत होती है इन जगहों पर, क्योंकि जिस जगह पर आप जॉब करते हैं उस जगह का एनवायरमेंट बहुत मायने रखता है, और ऐसे में इस जगह को बखूबी उस तरह से बनाया गया है और तमाम लोग जो यहाँ पर आपको प्रशिक्षित करेंगे वो सभी लोग भी कहीं ना कहीं इसी फील्ड से हैं, ताकि आपको बेहतर शिक्षा जो है वो दे सके। कैमरा पर्सन अमित के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइव, सिलवासा।